बिलासपुर जिले की सरकंडा पुलिस ने चिंगराजपारा में दबिश देकर 8 किलो गांजे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी गांजा खपाने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था। पूछताछ करने के बाद पुलिस गांजा सप्लाई करने वालों की भी तलाश कर रही है। रायपुर के मौदापारा थाने में पुलिस कर्मियों की लापरवाही से आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार आरोपी लक्ष्मी नारायण प्रसाद हथकड़ी निकालकर लॉकअप से फरार हो गया। राजधानी रायपुर की विधानसभा थाना पुलिस ने रविवार को 15 लाख के कबाड़ के साथ दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आर्म्स यूनियन स्थित ओवरब्रिज के नीचे खड़ी ट्रक से लोहा निकाल रहे नागेश्वर आदिकर व सुमित हरिदास को पकड़कर ट्रक में लोड कटा हुआ रेलवे पटरी, रेलवे चाबी, कटा हुआ शासकीय हैंडपंप, कटा हुआ बिजली पोल, हाईवा ट्रक एवं मोटरसाइकिल के पार्ट्स कीमत लगभग 12 लाख 31 टन कबाड़ जब्त किया है। दोनों को पुलिस ने अंतर्राज्यीय आरोपी बताया है। बिलासपुर जिले की सकरी थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराध में फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी यशवंत उर्फ लक्षित लोहार व अंकिता बंजारे ने 8 फरवरी को नया में बाजार दीपक उर्फ डीपी यादव को टंगिया मारकर फरार हो गए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मुंगेली से गिरफ्तार किया है। जसपुर जिले के उदयपुर नगर में एक युवक ने अपनी पत्नी और अपनी सास का गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने दोनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र के बोरियाकला में कांग्रेसी नेता धनंजय मिश्रा पर आरोपी तिलक ने अपने सहयोगियों के साथ चाकू से वार कर दिया। पीड़ित मिश्रा अपने बेटे का विवाह सुलझाने गए हुए थे, जहां बदमाशों ने घेरकर मिश्रा की जांघ पर चाकू मार दिया और फरार हो गए। बिलासपुर जिले की कोटा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम गनियारी में सुनील नामक युवक को रास्ते में रोककर चाकू दिखाकर उसे मारपीट कर 5000 रुपए लूटने वाले 3 आरोपियों को पकड़कर घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल, चाकू एवं लूट का 5000 रुपए जब्त किया है। तीन दिन पूर्व गुंडरदेही थाना क्षेत्र के रंग कठेरा गांव में अवैध रेत उत्खनन की शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंची टीम के एक आरक्षक पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी NSEI के पूर्व जिला संयोजक मिथिलेश बबलू निषाद और अखिलेश्वर साहू को पुलिस ने धर दबोचा है। रायपुर की कोतवाली पुलिस ने चाकूबाजी की वारदात को अंजाम देकर फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर मुकेश गुप्ता को गिरफ्तार किया है। आरोपी अवैध शराब की बिक्री की कोशिश कर रहा था और जानकारी मिलने पर कोतवाली थाना की टीम पर मौके पर उसे गिरफ्तार करने भी पहुंची थी, जिस पर अपराधी ने आक्रोशित होकर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस कर्मचारी घायल हो गए थे। रायपुर के सिविल लाइन पुलिस ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंधिया के खिलाफ भ्रामक बातें सोशल मीडिया पर फैलाने के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। दुर्ग से गिरफ्तार किए गए पवन बंजारे नामक युवक एक न्यूज पोर्टल संचालित कर रहा था। सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अजय यादव ने बलरामपुर जिले की पुलिसिंग और कसावट लाने का निर्देश दिया है। प्रकरण के निराकरण में लापरवाही पर IG ने थाना प्रभारी रामानुजगंज, रघुनाथ नगर, सनावल, बलरामपुर और राजपुर की एक एक वेतन वृद्धि रोक दी है। रायगढ़ की कोतवाली पुलिस ने रेप के आरोपी को 5 साल बाद उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। आरोपी राम बहादुर रायगढ़ की एक महिला से शादी का वादा कर उससे शारीरिक संबंध बनाने लगा। बाद में जब महिला ने उसे शादी के लिए कहा तब उसने मना कर दिया और फिर रायगढ़ से भाग गया था। जांजगीर में बमनी डी में चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ स्कूल में घुसकर एक लड़के ने महिला टीचर से अश्लील हरकत की। जब टीचर ने शोर मचाया तो लड़का स्कूल की दीवार फांदकर भाग निकला। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
बालोद जिले के सहकारी केंद्रीय बैंक निपानी में खाता धारकों की राशि के गबन मामले में रविवार को प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालोद के नोडल अधिकारी की रिपोर्ट पर निलंबित शाखा प्रबंधक रामेश्वर नागवंशी, निलंबित कैशियर अजय भेड़िया व निलंबित कर्मचारी दौलत ठाकुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा महासमुंद के जीवन बीमा एजेंट उमेश कुमार निर्मलकर को निवेशकों की प्रीमियम राशि का फर्जीवाड़ा करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रीमियम पॉइंट पर कलेक्शन का काम करता रहा, यहां लोग विश्वास के साथ रकम जमा कराते रहे। रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने LIC की फर्जी रसीद देता था। रायपुर की माना पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित बस स्टैंड पर प्रतिबंधित नशीली टेबलेट लेकर कहीं जाने के फिराक में खड़े युवक को पकड़कर उसके पास से अलग अलग डिब्बों में रखे कुल 1900 नग नाइट्रोजन 10 प्रतिबंधित नशीली टेबलेट कीमत लगभग 50,000 रुपए जब्त की है। बीजापुर जिले में DRG व CRPF जवानों तथा नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में लगभग आधा घंटे चले फायरिंग में 2 वर्दीधारी महिला नक्सली ढेर हो गए हैं। मौके पर जवानों ने बड़ी मात्रा में हथियार व विस्फोटक बरामद किया है। जांजगीर जिले के बिरना थाना क्षेत्र में बोरसी गांव के पनखत्ती तालाब में मछली मारने के विवाद पर जनपद CEO व मत्स्य निरीक्षक को डंडा लेकर धमकाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि शेष आरोपी फरार है।